पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को शनिवार को उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजधानी शिमला में भी उनकी आदमकद प्रतिमा पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को पूरे देश में उनकी 90वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शिमला में भी स्कैंडल पॉइंट स्थित लाला लाजपत राय की आदमकद प्रतिमा पर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, उप महापौर राकेश शर्मा और जिला उपायुक्त अमित कश्यप सहित स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि लाला लाजपत राय ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही लाहौर में भारत को पूर्ण राज्य दिलाने का निश्चय कर लिया था और इसी सोच के साथ उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और 17 नवम्बर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि लाला लाजपत राय ने उसी दौरान कह दिया था कि उनके सिर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करने के लिए कील का काम करेगी और वैसा ही हुआ भी। परिवहन मंत्री ने कहा कि देश के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करना हमारा सौभाग्य है। आज 17 नवम्बर 2018 को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है और आज उनके देहावसान को 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। लाला लाजपत राय अपने जन्म से लेकर के यानी 1865 में जन्म हुआ और अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए जब लाहौर गए तो लाहौर में जा कर के पूर्ण राज्य हमको मिले और एक तीन लोगों की त्रिमूर्ति कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। और लाहौर में भारत को छोड़ना चाहिए और हमको पूर्ण राज्य मिले, इसके लिए साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जिस तरह से अंग्रेज़ों ने लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज के कारण से लाला लाजपत राय वहाँ पर घायल हुए और घायल होने के बाद लाला लाजपत राय उसी समय ये कह दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक एक किल साबित होगी। और उसी समय लाला लाजपत राय के जब चोट लगी तो कुछ एक हमारे देशभक्त क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने सौगंध खाई कि हम लाला लाजपत राय की यानी जो हत्या की है तो उसके विरुद्ध बदला लेंगे। और ठीक एक महीने के भीतर भीतर चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इन सब ने बदला भी चुकाया। और इसी तरह से कि लाला लाजपत राय के विषय में जो कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्म दल के नेता थे और आज हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लाला लाजपत राय की याद में आज हमने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ये मौका हम सबको मिलता रहे और हम सदा ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया है उन सबको सदा स्मरण करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।